इसका कोई एक्सक्यूज नहीं, मत निकालो। सुबह में 5 पेज, रात में 5 पेज, रिपीट रिपीट रिपीट। इसका कोई एक्सक्यूज नहीं है। अगर यू वांट टू चेंज योर लाइफ देन प्रैक्टिस दिस। ये गई ऋषु की चिन्ना स्वामी। सो जा सो जा, ऋषु सोया है, तू भी सो जा, चलो बाय। ये कलर लग गया ना, थोड़ा लग गया है, थोड़ा लग। इसका मतलब है कि यू आर नॉट सूटेबल फॉर व्हाइट कलर, ठीक है? मतलब मीटिंग पे ना सिर्फ इतना ही दिखता है, बाकी का नहीं दिखता। अभी वही चालू है ना, नीचे में हाफ पैंट पहन रहे और ऊपर से अच्छे वाले कपड़े डाल के मीटिंग कर रहे, जूम मीटिंग वगैरह। अंदर है ना, है भाई बहन है तुम्हारे, चलो बाय। दादा 1 किलो आलू दे दो। हाँ, और 1 किलो प्याज। 2 किलो प्याज हो गया था, बाबा गए ऑफिस। ये तुझे हमने बुद्धू बनाया रीशु, तू सो गया था। कर रहा है ना रीशु, बकरी को अगर वो खुजली होती है ना तो वो वैसे करता है, तू वैसे कर रहा है। तुझे खुजली हो रही है क्या? पता है क्या, शायद तुझे ज्यादा मतलब ज्यादा इंटेलिजेंट है इसीलिए तुझे खुजली हो रही है। धरे म्याऊ, और कहाँ पे है म्याऊ? रीशु तो ज्यादा ही स्मार्ट है, अभी तेरे लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुझे। मैंने ना तेरे खाने पे क्या डाला है पता है क्या? सत्तू। सुना, सत्तू नहीं खाता तो मैं क्या करती हूँ, मतलब फल के साथ सत्तू मिला के दे देती हूँ, मतलब ज्यादा फल दे देती हूँ और सत्तू सिर्फ 2-3 चम्मच ही देती हूँ, तो वो क्या होता है उसको पता भी नहीं चलता, फिर मैं उसको इजीली बुद्धू बना सकती हूँ। जब ये वो वीडियो देखेगा ना बड़े होके, तो वो सोचेगा कि मम्मी कितना बुद्धू बना रही थी मुझे यार। मतलब इसका मतलब मैं इंटेलिजेंट मॉम हूँ। बताती हूँ जिससे आप क्या अपने बच्चे को खिला सकते हैं, जो मैं रीशु के साथ करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, वो देख रहा है अभी मुझे, मैं क्या करती हूँ, उसके पसंदीदा स्नैक्स जो रहता है ना, तो उसके मुंह के पास ऐसा लगा देती, तो वो ऐसे आ कर लेता है, तो मैं उसके बाद खिला देती हूँ, फिर मेरा मिशन सक्सेस हो जाता है। गर्मी भी है और पानी भी थोड़ा कम पीने के वजह से शायद मेरे पेट में अभी क्या ऐसे आवाज आ रही है, गुड 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 गुड। तो अभी तो बहुत सारा पानी पीना। रीशु मुझे बोलने तो दे, रीशु मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, रीशु आवाज नहीं आएगी। वीरल आ गया, आवाज मत करना ठीक है? मैं बोली आवाज मत कर, आवाज कर रहा है, कर बोल के। oh 8 बजने को सिर्फ 10 मिनट बाकी है, और मैंने आज का जो वीडियो है उसको भी एडिट नहीं किया है अभी तक, क्योंकि रीशु उठ गया अभी, वो दोपहर को नहीं सोया, फिर वो इसीलिए समय ही नहीं मिला। और उसके बाद आज जो आज तक की जो एंकर है उनकी मौत हो गई है, उसी न्यूज़ को देखने के लिए हमने टीवी लगाया है, और हम उसी देखने के चक्कर में, उनकी न्यूज़ देखने के चक्कर में बाकी सारे कोरोना की न्यूज़ देखे, तो उसी को देखने के बाद ना मतलब इतना अभी डिप्रेशन फील हो रहा है मुझे, इतना स्ट्रेस लग रहा है अभी, तो मतलब मैं इसीलिए कोरोना की न्यूज़ नहीं देखती, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रेस फील होता है, तो मैं अपने काम पे खोई रहती हूँ कि ना देखूँ ऐसे। लेकिन इतने दिनों के बाद फिर आज मैंने देख ली, तो एक्चुअल में आई एम फीलिंग स्ट्रेस नाउ। ब्लॉगिंग कर पाऊँगी कि नहीं अभी आज रात, तो शायद ये मेरा लास्ट होगा क्लिप। आई होप आप सब सेफ ही होंगे, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, हर हर महादेव।